हाई गाइज़ वेलकम बैक टू इफ्नो रॉक्स और अक्टूबर नवम्बर का महीना आ गया साल का एंड के टाइम पर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं और ओवरऑल एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स रहती है पूरे इन्वायरमेंट में सो आई विश यू एंड योर फैमिली सम ग्रेट टाइम सम ग्रेट हैप्पी फेस्टिवल्स जो भी सेलिब्रेट आप करते हो तो विदैट एंड माइंड आज सुबह के आज सुबह सुबह मैं आपके लिए एक वीडियो बनाना चाहती हूँ uh, ये एक uh, ब्रोकन आयरन कॉन्डोर के नाम से एक स्ट्रेटेजी है जिसको आप ट्राई कर सकते हो ठीक है बट ये बहुत सेफ है uh, मुझे सेफ लगता है ठीक है और ये एक रेशियो की तरह काम करता है विच इज द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट इट इसको आप वीकली मंथली कैसे भी ट्रेड कर सकते हो और आपको अगर किसी ऐसे स्ट्रैटेजी की तलाश है जिसमें ना सेफली आप ट्रेड कर सकते हो थोड़ा सा आपका व्यू होना चाहिए मार्केट में एंड आई एम श्योर कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो किसी और के व्यू पे लेने से अच्छा अपना व्यू बनाओ उस पर ट्रेड लो तो उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी कि कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं नाउ वॉट डू आई लाइक अबाउट दिस स्ट्रैटेजी ये रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी है सबसे पहली चीज दूसरी चीज़ इसको एक रेशियो की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो रेशियोज आपको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो पहले से अगर नए नए जुड़ रहे हो मुझसे तो फिर आप मेरे रेशियो स्प्रेड uh, की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो तो इट इज़ एन अमेजिंग वे ऑफ कंट्रोलिंग योर रिस्क आपके रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट तरीका होता है रेशियो स्प्रेड इन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज ठीक है बट रेशियो स्प्रेड्स आर कॉम्प्लेक्स ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह इजी है ऐसा बिल्कुल नहीं है बहुत अच्छी तरीके से आपको सीख के काम करना पड़ता है इसको तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इसको मैंने लेवरेज किया ऑन अक्टूबर फर्स्ट तो एक अक्टूबर फर्स्ट को ना मैंने एक ट्रेड आ, यहाँ पे बनाया है जिस ट्रेड का आ, मैं आपको व्यू पहले समझा देती हूँ कि हुआ क्या था ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो तो कंसोलिडेशन चल रहा था वन टू थ्री फोर एक एम पैटर्न टाइप से पैटर्न बना डबल टॉप एम पैटर्न आप जो भी बोलना चाहते हो ठीक है और मेरे कैंडल चार्ट रीडिंग के हिसाब से भी इसने इसकी जो क्लोजिंग होने लगी है ना वो क्लोजिंग धीरे धीरे नीचे आ रहा था तो दैट वाज एन इंडिकेटर फॉर मी वो मेरे लिए एक इंडिकेशन था कि हो सकता है मार्केट नीचे आए इतने ज्यादा इतने तेज आएगा वो नहीं पता था मुझे भी बट एक व्यू उस टाइम पे ये था तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आई वॉन्टेड टू प्ले सेफ तो मैं कैसे उस ट्रेड को कैसे प्लान किया मैं आपको वो दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए व्हाट इज अ ब्रोकन आयरन कॉनिडोर एंड हाउ डू आई प्लेट लाइक अ रेशियो ठीक है तो एंड गाइज ऑब्वियसली अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज को सीखना है आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सीख के काम करना पसंद है ट्रस्ट मी रेशियोज कैन बी एक्सलेंट स्ट्रैटेजीज हमारे पास बहुत तरीके हैं अपने रिस्क को डिफाइन करके अपने कैपिटल को मैक्सीमाइज करने का अपने रिटर्न को मैक्सीमाइज करने का तो अगर आप वो चीज़ें सीखना चाहते हो मार्केट में एडजस्टमेंट्स जानना चाहते हो रेशियो स्प्रेड जैसे को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं वो सब सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली कंसीडर द मास्टर कोर्स दर ऑफर इट इज अ रिकॉर्डेड मास्टर कोर्स इन इंग्लिश अगर आपको इंटरेस्ट है यू कैन गो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है नाउ मूविंग ऑन यहाँ पे अप मार्केट को मुझे ऐसा व्यू था मेरा कि नीचे जाएगा बहुत फास्ट जाएगा ऐसा व्यू नहीं था मेरा बट एट द सेम टाइम बट व्यू था कि अब नीचे ही जाना है इसे राइट right? अब उसके लिए मैंने बनाया ये स्ट्रेटेजी नाउ जस्ट टेक अ लुक हियर यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस <coughs> इज पे मेरा व्यू था बेरिश बेरिश था व्यू तो मैंने क्या करा पहले मैं इनको डिसलेक्ट कर देती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे ओके okay. तो मेरा व्यू यहाँ पे था कि मार्केट बेरिश होगा बेरिश होगा तो मैंने क्या करा मैंने 53,500 का सी उस टाइम पे सेल कर दिया एक तारीख को करा मैंने ये और 53,500 का सी उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था 972 रुपीस में क्यों क्योंकि दो चीजें उस टाइम पे मार्केट में आ, मार्केट चल रहा था 53000 पे दिस इज द कैंडल ये जो ग्रीन अजीब सी कैंडल है ये Uh, उस टाइम पे फिफ्टी थ्री थाउजेंड पे ट्रेड कर रहा था एंड दिस इज अक्टूबर फर्स्ट का कैंडल ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ कि वहां पे बैरिश था वो तो मैंने ट्रेड ले ली उसके फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड का सी सेल कर दिया उस टाइम पे जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी था अक्टूबर का क्यों सिलेक्ट किया नंबर वन मुझे प्रीमियम अच्छा मिल रहा था नंबर टू मुझे नहीं पता था कि कितने जल्दी मार्केट नीचे जाने वाला है ठीक है बट गए स्ट्राइक प्राइसेज सिलेक्ट करना भी आपको बहुत अच्छे से सीख के करना चाहिए तभी आप ना अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज uh, कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पे हमने सिक्सटींथ अक्टूबर का सिलेक्ट कर लिया एक कॉल उसको मैंने हेज कर दिया इसको हेज़िंग नहीं कहते हैं मैंने अपना कैपिटल यूजेज को कम करने के लिए मार्जिन को कम करने के लिए यहाँ पे एक 55,000 का सी सेल कर दिया ये ऑप्शनल था मेरे लिए क्योंकि मेरा व्यू था ठीक है तो बट डेफिनेटली गर्ल्स ये आपको हेज करने के काम नहीं आएगा ये बहुत दूर है तो अगर आप रिस्क को कंट्रोल करके काम करना चाहते हो मुझे कमेंट करने से पहले कि अनलिमिटेड रिस्क और ये वो प्लीज मुझे पता है कि अनलिमिटेड रिस्क क्या होता है आप डेफिनेटली ध्यान रखो उस चीज का अगर आपको डर लगता है तो आप इस हेज को पास ले आओ एंड आई अप्रिशिएट दैट अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी चेंज करोगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए शुरू में अपने ट्रेडिंग करियर में तो आप इसको पास ला सकते हो कैसे फिफ्टी है तो आप फिफ्टी थ्री पे ले आओ है ना आपके हिसाब से कर लो ओके okay. सो so, ये हो गया मेरा बेरिश व्यू नाउ अब मुझे ये आ, मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकती थी ठीक है और अगर मुझे अब देखो मेरा क्या है यहाँ पे लेट्स टेक अ लुक हियर अब ये आयरन कॉन्डोर कैसे बना ठीक है लेट्स टेक अ लुक हियर आयरन कॉन्डोर ये ऐसे बना आयरन कॉन्डोर होता क्या आयरन कॉन्डोर में आपका एक बाई और एक सेल होता है सॉरी uh, दो सेल होते हैं एक पुट और एक कॉल ठीक दो है दोनों आउट ऑफ द मनी होते हैं तो मैंने एक पुट भी सेल कर दिया यहाँ पे क्योंकि मुझे एक रेंज में कैप्चर करने का मन था इसको पी अब नीचे की तरफ उसको मैंने हेज कर दिया डाउन साइड में हेज करके काम करना ऑलवेज मेक सेंस उसको हेज कर दिया फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड पी से तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखने लग गया ठीक है इस तरीके से दिखने लग गया अब यहाँ पे इससे आपका क्या हुआ ऊपर की तरफ आपका रेंज थोड़ा बढ़ गया 54600 तक का आपको ऊपर की तरफ रेंज मिल रहा है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट कलेक्ट कर लिया नीचे की तरफ ये कहीं पे भी एक्सपायर हो जाता है तो आपको मिनिमम 8500 मिलना है ऊपर की तरफ जो हमें पहले प्रॉफिट हो रहा था कुछ अराउंड ट्वेल्व uh, थर्टीन के आसपास का उसका मैक्स प्रॉफिट बढ़ के सिक्सटीन हो गया तो इसमें मेरे पास पोटेंशियल भी है कि मैं इसको मैक्सीमाइज भी कर सकू अब मार्केट यहाँ नीचे गया है बट यहाँ पे एक स्ट्रॉग सपोर्ट जोन है ठीक है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है तो इट इज वेरी लाइकली मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा पहले तो उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा ऊपर और जाए फिर कंटिन्यू करे अपना जर्नी जर्नी अभी हो सकता है एक छोटा सा डिप और ले लेके ले फिर ऊपर जाए तो इन एनी केस वी आर सेफ ठीक है इन एनी केस वी आर सेफ अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अब देखो यहाँ पे आपका नीचे जाएगा तो भी आपको 8550 मिलेगा ऊपर जाएगा तो आपने अपने, अपने रिस्क, मतलब जिसका पॉसिबिलिटी है काफी पॉसिबिलिटी है तो उस टाइम पे आपने उस ऑप्शन को भी ओपन रखा कि ऊपर जाता है तो मैं थोड़े और क्रेडिट कलेक्ट कर लूँ ठीक है और आपका जो ब्रेक इवन है वो और दो पॉइंट आगे चला गया है तो यू आर इन अ गुड स्पेस इन ओवरऑल वे तो दिस इज लाइक अ रेशियो तो हियर ठीक है ये आपके एक रेशियो तो की तो तरह काम कर रहा है अब अब यहाँ पे इट इज अ ब्रोकन आयरन कॉर्डोर क्योंकि क्योंकि आपने दो सेल कर रखे हैं एक कॉल को और एक पुट को और एक तरफ से आपकी हेजिंग जो है इस तरीके से डिजाइन है कि नीचे कितना भी जाए मार्केट आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मेरा व्यू यहाँ पे क्लियर है कि इसको ऊपर उस लेवल के ऊपर जाने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा ले ठीक तो है या तो आप प्लेन एंड सिंपल क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो जिसमें मतलब आप वो भी आपके पास चॉइस है बट एट द सेम टाइम आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए और थोड़ा सा अपना वो मतलब कंफर्ट लेवल रखने के लिए कि इन ईदर केस यू विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट तो वो करने के लिए आप इस तरीके से इस ट्रेड को प्लेस कर सकते हो ठीक है दिस इज हाउ यू कैन इट आप इसको मंथली में भी कर सकते हो अगर आपको और प्रीमियम कलेक्ट करना है बट मंथली में ध्यान रखना कि मार्केट मतलब एक ही जगह पे रहेगा ऐसा नहीं है तो जस्ट लुक एट द रेंजेस पहले एक बार रेंजेस को देख के तभी आप इसको डिसाइड करना सो so, ये आपका उस तरीके से डिजाइन होता है कि जब आपका व्यू थोड़ा सा मतलब इस तरीके से है कि जा, नीचे जाएगा फिर हो सकता है ऊपर आ जाए ठीक है तो मार्केट तो एक जगह तो टिकता नहीं है बहुत ही मुश्किल होता है तो इसीलिए मोस्ट नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में आपको बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं बट इस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान करोगे तो आपको एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी ठीक है सो दैट वॉज़ इट फॉर टुडे गाइज अगर आपको इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सीख के काम करना है अपने ऑप्शन स्ट्रेटेजी को बहुत आगे लेके जाना है एडजस्टमेंट्स में प्रो बनना है डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग द मास्टर कोर्स विच इज़ अ रिकॉर्डेड वन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड ऑल ऑफ यू हैव अ गुड वन